एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम धार का प्रसिद्ध श्री गढ़ कालिका माता मंदिर, जिसे स्थानीय लोग देवी जी का मंदिर कहते हैं, वो देखने आए हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी चारों ओर से पेड़ों से घिरी हुई है। जो मंदिर देख रहे हैं आप, यही माता जी का मंदिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क है। इस मंदिर के ठीक सामने एक तालाब है, जो सभी मौसम में पानी से भरा रहता है। सामने आप विंड मिल दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही विहंगम दृश्य है यह। ये जो देख रहे हैं, ये माता जी का मंदिर है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये। आज इसे ही हम देखने जाएंगे। ये रास्ते में बोर्ड लगा हुआ है, माँ गढ़काली का मंदिर। धार के बस स्टैंड से यह मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बाहर ही माला की दुकानें, प्रसाद की दुकानें मिलेंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए प्रसाद की दुकानें हैं। ये माता जी का मंदिर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड पे अपनी गाड़ी को टर्न करेंगे। ये हम मुड़ गए हैं और ये माता जी के मंदिर का फ्रंट गेट आ गया है। यहाँ पर भी प्रसाद की दुकानें हैं, माला की दुकानें हैं। और ये जो मैदान देख रहे हैं, इसमें नवरात्रि के समय मेला भराता है। आप गाड़ी बाहर पार्क कर सकते हैं, कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगता है यहाँ पर। ये फ्रंट गेट है माता जी के मंदिर का। ये चलिए माँ गढ़काली का मंदिर के फ्रंट गेट पर हम आ गए हैं। नवरात्रि के समय यहाँ तक, मंदिर जो ऊपर है वहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लगती है दर्शन के लिए। बहुत सारी सीढ़ी बनी हुई है, साइड में बैठने का भी है। अगर बुजुर्ग लोग हैं, पैरों में दिक्कत है, बच्चे हैं, तो साइड में बैठते बैठते मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है। माता जी के मंदिर के ऊपर से आपको पूरा धार दिखाई देता है। ये देखिए हम बिल्कुल नीचे से आए थे, लगभग 40-50 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं अभी तक। गर्मी के समय यहाँ शेड लगा हुआ है, तो आपके पैरों में गर्मी भी नहीं लगेगी। ये छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है साइड में ही, छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है। ये ढोल वाला बैठा है। और ये माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है, देवी जी का मंदिर। चलिए फिर चलते हैं ऊपर। यह मंदिर 12 महीने हरियाली से घिरा रहता है। ऐसा नहीं है कि बरसात में ही यहाँ पर ग्रीनरी रहती है, हमेशा यहाँ पर आपको हरे पेड़ मिलेंगे। ये देखिए, ये हम श्री कालिका प्रसन्नम, श्री कालिका प्रसन्नास्तु, ये आ गए हम ठीक मंदिर के बाहर। मास्क लगाइए, दूरी बनाए रखें, स्वच्छता रखिए, निर्देश लिखे हुए हैं।
नवरात्रि के समय सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है। ये आप यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा आपको धार दिखाई देगा, पूरा धार शहर हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर आ गए हम। ये देखिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। नवरात्रि के अलावा आप कभी भी आएंगे तो टाइमिंग है 7 बजे से, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आप अंदर पूजन सामग्री नहीं ले जा सकते हैं। ये टंकी रखी है, आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर हाथ धोना पड़ेंगे आपको। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेगी हमें अभी। ये जो आप यहाँ स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने जूते, शूज़, चप्पल आदि उतार सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शाम के समय नवरात्रि में दीपक सजाए जाते हैं, दीपक लगाए जाते हैं। चलिए, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, माता जी का फ़ोटो खींचना सख्त मना है। देखते हैं हमें अंदर वीडियो बनाने दिया जाता है या नहीं। ये माता जी का मंदिर आ गया है। ये देखिए खिड़की में से माता जी दिखाई दे रही हैं हमें। ये देखिए, हाँ, ये माता जी का मंदिर है। ये हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए माता जी दिखाई दे रही हैं अंदर। हमें फ़ोटो खींचने नहीं दिया गया, अंदर जो पुजारी था उसने हमारा कैमरा बंद करा दिया था। तो जो मेन माता जी का मंदिर, जो मूर्ति है, वो हम नहीं देख पाएंगे इस वीडियो में। ये भैरव जी का मंदिर है पास में ही।